ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक पर चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। जुगपुरा निवासी युवक घर की ओर जा रहा था कि तभी एक युवक ने मुकेश पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर हुआ युवक पर हमला, पुलिस जांच में जुटी। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नेहरू नगर का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर ललितपुर से न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रखा है, जहां पर एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जुगपुरा निवासी युवक घर की ओर जा रहा था तभी इस युवक पर चाकू से हमला किया गया। एक युवक ने मुकेश नाम के इस युवक पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर युवक पर यह जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नेहरू नगर का बताया जा रहा है। क्या नाम है? मुकेश। कहाँ, कैसे, क्या हुआ? पुल के ऊपर आ रहे थे, एक आया तो हमें सीधे मार नहीं लगा। हमने भेजे, एक आदमी गवाह है वहाँ पे। किस बात को लेकर? कुछ बात को ले, उससे हमें बात नहीं हुई। जानते हैं उसको? जिसको जानते हैं उसने हमें छुरी मारी, उससे हमें कोई बात नहीं हुई। एक आदमी गवाह है, वो गवाही देगा। कौन है वो, क्या नाम है उसका? वो ठेला डब्बा खोले बता देगा। सही, पुलिस को सूचना दी है? थाने गए थे कोतवाली, उन्होंने कहा इलाज करवाओ, सबसे पहले भाग गए। सुनहरा मौका आपकी अपने शहर कस्बा मोठ में, आप भी देख सकते हैं अपने घर का सपना। किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध है केसीपी इंटर कॉलेज के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मयूर मिश्रा इलू महाराज, मोबाइल नंबर 7355265058।